चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर एक बार तो जुबान पे काटने की कोशिश करी तो शहर में पानी देख लेगा और दे रखी अपना म्यांमार है इन पैरों तक चल रहा उठा ना जो याद में सिसोन में की दुखी उसे तो याद रहेगा भी अपने सब तरह की सुविधा दे दिन में किसी का बैम अपने दिमाग में तो बैम काट दो बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब या तो आप लोग कार्रवाई कर लो ना बीच में बैठ जाओ अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे हमारे भाई हैं परिवार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा जिस काम के लिए हमें बैठे आपसे एक निवेदन है आप लोगों से एक निवेदन है समय दे दो चूंकि हम सत्ता में ना होते तो यहीं रहते हैं या मजबूरी समझ लो कप्तान साहब को कहो जी वो नहीं कह रहा वे बैठे सुन रहे बुढ़ाना हो या कुछ हो अगर पुलिस किसी के दबाव में आओगे दबाव मार पे ज्यादा दबाना हुआ हमने 2013 के दंगे तक लॉ बनाना सीख लिया था सिसोली में एक चंडाल चौकड़ी हो रही
और इतनी नसीहत इन लोगों ने इतनी नसीहत सिसोली को दे दी, दो मरने को रास्ता नहीं। एक चंदा चौकड़ी आप लोगों की जिम्मेदारी, और नहीं तारे से मरता तो हमें बताओ भाई, सब तरह का कर देंगे ना सुधे नहीं। हम एक और सुन लो, हम आसान करें हम आसान करवाते नहीं। जिसके घेर में इज्जत तारण की बात हुई, गुलाम मोहम्मद जोड़ा जी हमारी आन बान और शान है, हम इनका अदब का नाम लिया जहां अदब थे इन्हें, ये हमें कुछ भी कह दो हम उसे तैयार कर देंगे, चाहे कुछ भी कहो। ये सरदार बीएन सिंह किसान हित की बात कर रहे, किसान हित की लड़ाई लड़ रहे, कोई वो नहीं हो सके, थोड़ी घनी भूल चूक हो जाए फिर भी मैं हमारे अपने ही है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हम, ऐसी नहीं बात। सिसोली में धोखे से बुलाए जाते हो, हमें उस दिन तक नींद नहीं आई, अगर इनके साथ कुछ हो गया तो होता, हमें तो मारने की जरूरत नहीं थी, हम तो अपने आप ही मर जाते। अगर सरदार बीएम सिंह की पगड़ी में कोई छिंडा भी लग गया होता हम काम वो दिखाते हैं, या उनकी सोच समझी चाल है ऐसे घेर कर जाए बातचीत। इसी दौरान में माननीय हमारे विधायक जी उमेश मलिक जी, किसी का कोई इरादा नहीं इस तरह की बात करने का, उमेश मलिक को संजीव बालियान को हम मुख्य अतिथि बना रहे हैं, उसमें हमने यही कही थी बात, भाई दिल्ली में आंदोलन चल रहा ये थोड़ा सा परहेज रख लो, हमने प्रतिबंध लगा, ये भी सब कान खोल के सुन लो, हमने यही कहा था भाई, तब आने तक परहेज रख लो, जो जिसे कहा हम तुम भाई बुलाने का वो रख लो, विरोध हो बढ़िया नहीं, जिसके वहां बुलाए इकट्ठे हुए उस पर हमने आसान कर रखा, उस परिवार पर लालू खेड़ी वीरेंद्र सिंह प्रिंसिपल उसके भतीजे ने जिनने प्रोग्राम करवा रखा, उसके भतीजे ने जंगल में कट्टा उड़ा दिया उसका प्रिंसिपल का वीरेंद्र सिंह का, उन्हें FIR कर दी, सारा परिवार भाग्य लग गया। फिर हमें तो ऐसे मौके पर याद करे, हमें रविंदर सिंह जिनने या पंचायत बुराई जिनने इस इलाके का नाश का गांव का नाश का हमें गाड़ी में बैठा कर लेगा, वीरेंद्र सिंह मारे शर्मली आज करें, बहुत सभी आदमी शर्मली आज करें, सिसोली की जोड़ा साहब ने बताया सिसोली की सब शर्मली आज करें, हमने मुकदमा भी हटवा 307 का असली मुकदमा प्रिंसिपल लल्लू खेड़ी रविंदर सिंह के भतीजे ने कट्टा डाल दिया था उसके, और क्या दिन इस परिवार का हुआ, चलो वो तो वहां से छोड़ दो। नीटू मुखिया हमारा घर का आदमी हर दुख सुख में साथ दे, उनने रिपोर्ट लिखवाई, एहसान कर रखा, एहसान खोलते नहीं एहसान कर रखा उस पर जिनने हमारी रिपोर्ट लिखवाई, अपना इज्जत इसी में ही है, नहीं कुछ ऐसी बात है, मारे तो पूछ लियो आ गए इस सिसोली के मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचावे, खबरदार कान खोल कर सुन लियो, कोई ऐसी बात नहीं। एक चंडाल चौकड़ी है, पहले किसान मोर्चे का नाम था, 2003 में किसान मोर्चा नाम था, आज ये कौन सी समिति है, जन कल्याण समिति, बिल्कुल वो है टिकैत परिवार में थे, एक कुछ में भी लिया जाना था, मारे जुम्मे ये ही नहीं है, हम 302 के मुकदमे झेलते रहने, या कान खोल कर सुन लिया भाई, जिसे किसी को मुखालता हो जहां है वहीं ही खींच रहे होंगे, और जिस टेन घर का जिसे भी बुलाओगे बुला लियो, इतने आदमी क्या के इतने लोगों की भावनाओं को हम ठेस पहुंचावे, मारा गोली छाती में लगेगी पीठ पर गोली लगेगी, आप लोगों ने जितना सहयोग दे रखा इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है, ऐसी नहीं को बात, और वन नहीं आपका
सहयोग नहीं है। संजीव बालियान को हम सुना नहीं रखते, आदेश दे आदेश। और आदेश दे बालियान होने के नाते इसे फैसले को निपटावे, आदेश दे दिया। अगर एक फालतू जुबान भी काटने की कोशिश करी तो शहर में पानी देखने का। हम सम्मान करें और तेरा की संजीव बालियान को, और तेरा की अपना म्यांमार है, इन पैरों पर चल रहा उड़ाना। अगर एक भी बयान दे दिया, एक वीरेंद्र सिंह कुतुबपुर हमने प्रतिज्ञा करा रखी, अगर किस संगठन में कोई रह लिया ये हमारी प्रतिज्ञा ना तुड़वावे। जो कोई संगठन में रह लिया किसान के, किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रहा, उसका सम्मान करे। हम कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं आ रही जो हमारी तरफ तो नहीं आ रही। अगर उसे भी ज्ञान हो तो वो भी पूछ लो जिला अध्यक्ष पद तक क्यों हटा गया हो। वैसीता की बात में वो करना नहीं, जुबान का बुमरांग ना हो भी। वो जिस तरह से कुछ आदमी वहां से वहां देख के घरों कहे कैसी लग रही है, कहे फिर में वीरेंद्र कुतुबपुर को बताए जो मेरे घर का भेद लेके वो बिंदु होगा मारे उसका अपना ठीक है। हम वह नहीं कहते, हम उसे अपने बरोबर का नहीं मानते, हम उसे अपने बरोबर का नहीं मानते। उनने काम कराया, किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रहा, बहुत बढ़िया। उनने पंचायत करी वासी, इसमें कम से कम कसम तो खा रखी होगी, जिस घर का नमक खा लिया उसकी बुरियाई तो न करे। सारे वो लग रहा पता नहीं कहाँ कहाँ होगा कि और पमार गाँव है, कहने दिन तो गंडा इतना होगा ना, कहीं तक ठग कर जावे किसी के रात काट कर जावे छोल में कंटे पर ठावे। अरे जो कुछ हो अपना वो है किसी की 10-20 पर्ची और की तुल जाती होगी, और का भाई का भला बन जाता हो। और वो पर रोज का काम उसका अपना, उसे अपनी इज्जत प्यारी। वो टुकड़े खावा उसका संजीव बालियान के टुकड़े खा रहा, उस पर टुकड़ों पर रहा, ना घरों में कोई है ना कुछ है, उसे दो टाइम की रोटी मिल जाती होगी, उसका यू है। हम यही कहें वो अपना ढंग कर है, इस परिवार का कुछ किसी भी उसमें मराओ बैठिया, मैं भी चिंता न करो ना बेकार में करो, अन्य उसके साथ कहीं कुछ भी हो सके करने फिर वो भी नुके नहीं। सुन लो मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा, दिन छिपता टेम है, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, किसी रूप में मैं झूठ नहीं बोलता। मैं 302 का मुकदमा झेल लिया पर मैं कभी गलत सुना नहीं देता, बस वहां तक ही सीमित रखो भाई। और हम इसे पहली बात तो कहियो ना, मानियो ना तुम मेरी बात को, फिर दोहरावे, हम सब कुछ है भाई, कोई सोचता हो कहना ये नहीं, कुछ हम सब कुछ है, कह लो हम कुछ ना रहो, आज हम सब कुछ है, जो कुछ चाहे वो करते हैं। इसलिए जिस परिवार पे जो रेजिन उन्होंने रिपोर्ट करी इसे इज्जत से दिखा लो, नहीं तो ये गिरफ्तार हो नहीं सकते, कितने अंगे लगा लियो, इसी मार पार की लड़ाई हो जाएगी। उमेश मलिक हमारे परिवार का सदस्य, हम नहीं वो करते कुछ नहीं, हमने कभी भी उसकी वो नहीं करी। उमेश मलिक सुन नहीं रहा किसी की, वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही। सरनावली में 300 साल पहला कुआ है, या सुन लियो बात, 300 साल पहला कुआ है, जिद में उस पर लैट्रीन बनवा दी। मैंने कहा भाई मलिक साहब यू काम ना करिए, तो कुछ ही कर ले, उसी कुएं पर लैट्रीन बनवाई, हमने तो उदन थे त्याग दिया। मैं कहा भाई तो बहुत बेकार आदमी, उसका नाश कोई नहीं बचा सकता, 300 साल पहले कुएं पर लैट्रीन बनवा दी जबरदस्ती गांव के विरोध के बावजूद। तो हम तो यही कहे भाई, अच्छा पण कभी बुरा नहीं होता। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सब करोड़ों किसानों की निगाह, करोड़ों किसानों की निगाह आप लोगों पर है, आपकी एक आवाज पे आदमी आपके लिए मरने भरने को तैयार है। और जो आदमी सिसोनी में भी दुखी, उसे तो यहां रहने का भी हक नहीं, सब तरह की सुविधा दे दी। क्या आदमी मारे
जो मैं मारे को हम पाप लग रहे भोकर बाबा कुछ ज्यादा कह दिया यार दिमाग मारे पाप मारे मारे उसमें है मारा नहीं कुछ काम छूट रहा हम बेचारे सब याद में ठीक ठाक रहे हमें पता गांव में सबका पता जो कुछ कुल रक्षण यहां हो रहे हम सिसोली का दाप दाप पुरख है सिसोली का हम दाप दाप पुरख है मतलब खुला रहने की बात पर ये खुलवा कर रहेंगे इनका जूत लगेंगे बाहर जो ये विरोधी है सिसोली पर सिसोली का नाम लेकर हम सिसोली का लोग है सीट दे सारी वाह बातचीत और ज्यादा नहीं है चंद आदमी है 10-15 आदमी है इन पर लगाम लगा रहा नहीं तमें या बिरादरी किसान बिरादरी पर वो निकलने के बाद माफ जो कुछ नाश होगा इस सिसोली तो होगा और इन 8-7 आदमी तो होगा इन पर और वोट लगाने की आप लोगों की जिम्मेदारी है जिस तरह का सहयोग चाहगा होता है सहयोग मिलेगा जिस तरह का भी चाहगा अगर कोई ठाकर जाना अगर कोई ठाक जाना कुछ वो नहीं है कम से कम खींच से जाओ आज हम पंचायत वैसी इसमें नहीं कहते या ध्यान रख लो खींच के लिया किसान भवन में एक किसान भवन में खींच के लिया जितनी ताकत लगा हुए कहेगा जीव लिया हुए अपने इसी के उसमें रख लो 5-7-10 आदमी ढंग से रहे भाई और चाहे बात क्या है चाहे हमें निमटा दो भाई देखो बिल्कुल सही बात है चाहे हमें निमटा दो अपना सब ठीक रहेगी बात हम इन अपना भेद भी बता देंगे वहां से शिकार पर जाऊं भेद में अपना मार दो हमें पंडा छूट जाएगा इस काम का और नहीं दो नहीं सुन दो लो नहीं जनता का पंडा दूर पता छुपा दो जो कुछ होगा मुकदमा ढंग का करो ना इनके 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 टटरे निकलते अब उनको चले आगे उनको फरस में कुल लगते और बस यही है बात जो ढंग का नहीं कोई मानता खींच के जाओ पंचायत में जय हिंद जय भारत